जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जितना प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी का वोट उतना ही बढ़ेगा। मैं तो कांग्रेस में पहले एक पप्पू थे अब दूसरे पप्पू, ऐसे जो कन्हैया टाइप के जो लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट की जीत भी सुनिश्चित है। और मेरा मानना है कि मैं तो उनको निमंत्रण दूंगा कि राहुल जी और कन्हैया जी आए और तेजस्वी जी प्रचार करें, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचार उसी में हो जाए। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया के जनक भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार की सियासत है और यहाँ पे हमेशा उथल पुथल मची रहती है। ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन जी, उन्होंने बड़ी बात कही है। बिहार में उपचुनाव को लेकर के लगातार सियासी उठापटक जारी है और ऐसे में हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से महागठबंधन के घटक दलों के बीच में उपचुनाव की बात को लेकर के ही द्वंद्व पैदा हो गया है। दोनों अलग अलग हो गए। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस और राजद की। जिस प्रकार की नूरा कुश्ती कांग्रेस और राजद में चल रही है ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। इसी पर बीजेपी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से जो बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं नितिन नवीन, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव उनके लिए जो है चुनाव प्रचार करने का काम करेंगे, यानी कि एनडीए के लिए प्रचार पप्पू यादव करेंगे और कन्हैया कुमार करेंगे। ये बड़ी बात है और किस अंदाज में उन्होंने कहा है और क्यों कहा है, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। वो स्टार प्रचार को जमीन का भाव पता नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जितना प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी का वोट उतना ही बढ़ेगा। मैं तो कांग्रेस में पहले एक पप्पू थे अब दूसरे पप्पू भी हैं, तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के प्रचार से भारतीय जनता पार्टी को जो पहले आधा फायदा मिलता था अब दोगुना फायदा मिलेगा। और ऐसे जो कन्हैया टाइप के जो लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट की जीत भी सुनिश्चित है। और मेरा मानना है कि मैं तो उनको निमंत्रण दूंगा कि राहुल जी और कन्हैया जी आए और तेजस्वी जी प्रचार करें, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचार उसी में हो जाएगा। आरसीपी सिंह ने कल कहा है कि सिंबल को लेकर के ठीक से प्रचार करने को, क्योंकि बीते दिनों जो देखा गया था कि कन्फ्यूजन हो गया था बीजेपी और लोजपा को लेकर के, क्या इस बार भी इस तरह का कोई कन्फ्यूजन है क्या? कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। दोनों ही हमारे जो अलायंस हैं, पारस जी की पार्टी और अपने जितना मांझी जी, दोनों लोगों ने खुद कैंडिडेट डिक्लेरेशन के समय साथ में रहकर कैंडिडेट के जीत के प्रति अपना आश्वस्त किया था। और पूरी पार्टी, चारों पार्टियां पूरी ताकत और शिद्दत से चुनाव लड़ेंगी और अपोजिशन को धूल चटाने का काम करेंगी। देखिए, मेरा तो मानना है कि ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस हाशिए पे फिर से दिख रही है। जो पिछलग्गू के रूप में कांग्रेस शुरू से पिताजी के समय, लालू जी के समय में वही काम करती थी जो आज बेटे तेजस्वी यादव के समय में कर रही है। तो हमको तो लगता है कि कांग्रेस अपने अंतिम सांसें गिन रही है और अब उसी के क्रम में कैंडिडेट, जब पूरी जनमानस में स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दे रही है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए और प्रतिष्ठा बचाने के लिए पिछलग्गू की भूमिका में कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है, लेकिन उसका कोई असर चुनावी परिणाम पर नहीं होने जा रहा है। और मेरा मानना है कि महागठबंधन के जो टूट की बात हम लोग हमेशा करते हैं कि जो अति महत्वाकांक्षा में रहने वाले लोगों की गठबंधन है, तो वो फिर दिखेगा कि वो धूल चाटता हुआ नजर आएगा। एनडीए को दोनों सीट पर किस तरह जीत के रूप में देखते हैं? नहीं, हम लोग अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं और पिछले जो मार्जिन रहे हैं उससे अधिक मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।